अडानी ग्रुप, एक ऐसा ग्रुप जिसके बिजनेस को देखने बैठे तो शाहरुख खान की फिल्म रईस का डायलॉग, कोई धंधा छोटा नहीं होता और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता, दिमाग में घूमने लगता है। कोई धंधा छोटा नहीं होता और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। घर के राशन से लेकर कोयले की खदान तक, रेलवे और हवाई अड्डे से लेकर बंदरगाह तक, ऐसे दर्जनों कारोबार हैं जहां अडानी ग्रुप ने पांव पसार रखे हैं। गौतम अडानी के इस ग्रुप की कामयाबी का राज क्या है, क्या है अडानी ग्रुप के उतार चढ़ाव और बिजनेस का सफरनामा? नमस्कार, मैं हूं कृतिका रावत और आज मेगा बिजनेस के इस एपिसोड में हम जानेंगे अडानी ग्रुप के बारे में। अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी की नेटवर्थ बढ़ती जा रही है। फोर्ब्स की रियल टाइम बिलियनर लिस्ट के अनुसार अब अडानी दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। शुरुआत करते हैं अडानी ग्रुप के इतिहास से। साल था 1978। कॉलेज में पढ़ने वाला एक नौजवान सपनों के खातिर कॉलेज की पढ़ाई बीच में छोड़ अहमदाबाद से मुंबई पहुंचता है। 80 के दशक में जहां लोग मुंबई सिर्फ हीरो बनने के लिए आ रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर ये लड़का यानी गौतम अडानी हीरे की दुनिया में किस्मत आजमाने निकला। जैसे हर मुंबई पहुंचने वाला हीरो बनने में सफल नहीं हो पाता, ठीक वैसा ही अडानी के साथ भी हुआ। अडानी ने करीब 3 साल तक मुंबई में काम किया, मगर उस हीरे से उनकी किस्मत नहीं चमकी। उनकी किस्मत तब चमकनी शुरू हुई जब 1981 में बड़े भाई ने उन्हें अहमदाबाद बुलाया। भाई ने सामानों को लपेटने वाली प्लास्टिक की एक कंपनी खरीदी थी, मगर वो चल नहीं पा रही थी। उस कंपनी को जो रॉ मटेरियल चाहिए था वो पर्याप्त नहीं होता था। इस आपदा को एक अवसर में बदलते हुए अडानी ने कांडला पोर्ट पर प्लास्टिक ग्रैन्यूल्स का इंपोर्ट शुरू किया और 1988 में अडानी एंटरप्राइज लिमिटेड की नींव रखी। यहाँ से ऑफिशियली शुरू हुआ अडानी ग्रुप का सफर, जिसने मेटल, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स और टेक्सटाइल जैसे उत्पादों की कमोडिटी ट्रेडिंग शुरू की। कुछ ही सालों में ये कंपनी और गौतम अडानी एक बड़ा नाम बन गए। साल 1994 में BSE और NSE में कंपनी का शेयर लिस्ट हुआ। उस समय इसके शेयर की कीमत 150 रुपये थी, लेकिन ये सिर्फ एक शुरुआत थी। आज अडानी एंटरप्राइज के शेयर की कीमत लगभग 3100 रुपये है। ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया जैसे देशों तक फैला है अडानी ग्रुप का बिजनेस। फॉर्च्यून इंडिया मैगजीन के मुताबिक साल 2010 में अडानी ने ऑस्ट्रेलिया की लिंक एनर्जी से 12,147 करोड़ में कोयला खदान खरीदी थी। क्वींसलैंड में मौजूद इस खदान में 8 बिलियन टन के नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जो हर साल 60 मिलियन टन कोयला पैदा कर सकते हैं। इंडोनेशिया में तेल, गैस और कोयले जैसे नेचुरल रिसोर्सेज भरपूर मात्रा में हैं, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी में इन रिसोर्सेज का पर्याप्त लाभ उठाना संभव नहीं था। 2010 में अडानी ग्रुप ने इंडोनेशिया के साउथ सुमात्रा से कोयले की ढुलाई के लिए $1.5 अरब की इन्वेस्टमेंट की थी। जानते हैं अडानी ग्रुप के मार्केट कैप के बारे में। अडानी ग्रुप अप्रैल 2022 में 20 लाख करोड़ के मार्केट कैप वाले ग्रुप में शामिल हुआ था। टाटा और रिलायंस के बाद ये मुकाम हासिल करने वाला भारत का ये तीसरा ग्रुप है। अडानी ग्रुप की 7 कंपनियां शेयर मार्केट में लिस्टेड हैं और 5 कंपनियों का मार्केट कैप 1 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा है। अडानी ग्रुप के पास है दुनिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट। अडानी ग्रीन एनर्जी ने 21 सितंबर 2016 को देश को विश्व का सबसे बड़ा सोलर प्लांट दिया था। 648 मेगावाट क्षमता का ये सोलर प्लांट तमिलनाडु में है। अडानी ग्रुप की इस यूनिट पर 4,550 करोड़ रुपए का निवेश हुआ। अंबुजा और ACC का टेकओवर। अडानी ग्रुप ने हाल ही में हॉलसिम ग्रुप के इंडियन बिजनेस को एक्वायर किया है। ये डील करीब 81,360 करोड़ रुपये में हुई है। हॉलसिम ग्रुप के पास अंबुजा सीमेंट की 63.1% और ACC में 54.53% हिस्सेदारी थी, जो अब अडानी ग्रुप की होगी। अडानी ग्रुप की तरफ से अब तक का सबसे बड़ा एक्विजिशन है। 26/11 आतंकवादी हमले से कैसे बचे थे गौतम अडानी? अडानी मुंबई में 26 नवंबर 2008 को हुए आतंकवादी हमले में भी बाल बाल बचे थे। 26 नवंबर को अडानी ताज होटल के रेस्टोरेंट में दुबई पोर्ट्स के CEO के साथ डिनर कर रहे थे। उस हमले के दौरान वो किचन और बाथरूम में रात भर छिपे रहे। सुबह 8:45 पर उनको सुरक्षित बाहर निकाला गया। इससे पहले 1998 में अडानी और शांतिलाल पटेल को अहमदाबाद में फिरौती के लिए बंदूक की नोक पर अगवा कर लिया गया था,
बाद में उन्हें छोड़ दिया गया। इस वीडियो से आपको अडानी ग्रुप से जुड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में जानकारी मिली होगी। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल इजी ज्ञान को, और कमेंट करके हमें बताइए कि मेगा बिजनेस के अगले एपिसोड में आप किस बिजनेस के बारे में जानना चाहेंगे। थैंक यू।